नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, जो भाई लोग अपने पेनिस की लंबाई और मोटाई को बढ़ाने के लिए पेनिस पंप का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए क्या सही है या गलत है, उसके बारे में हम बात करेंगे सर से। जो सर से हम पूछेंगे कि सर, क्या पेनिस पंप का इस्तेमाल करना सही रहता है कि उनके लिए नुकसान रहता है। जिन लोगों को नहीं पता है वह लोग पूरा वीडियो को देखें, समझ में आ जाएगा। तो सर, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दें, जो पेनिस पंप से क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या नहीं है। पेनिस पंप को तो हमारे हिसाब से जी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लोगों को। जी सर, आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती खींचेंगे जी सर, तो जो नस होती हैं जी सर, वो फिर सिकुड़ने लगती है जी सर। तो उससे बाद में उन्हें दिक्कत होगी जी सर, फिर वह किसी काम के लायक नहीं रह जाएंगे जी सर। ये सब गलत चीज़ किसी के कहने पे मत इस्तेमाल करें जी सर। हाँ, आप कीगल एक्सरसाइज होता है जी सर, उसका व्यायाम करिए, कीगल एक्सरसाइज जी सर, और ऑयल का इस्तेमाल करिए जी सर। नेचुरल ऑयल आता है, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी सर। क्या सर, कुछ लोग मतलब जिनके पेनिस में सिकुड़न आ गया है, ढीलापन है, छोटापन है, उसके लिए क्या ऑयल इस्तेमाल करने से उनकी समस्या ठीक हो जाती है? ऑयल प्लस कीगल एक्सरसाइज जी सर, एक्सरसाइज भी चाहिए और ऑयल भी अच्छी रहनी चाहिए। हाँ जी सर, तो यह सारी समस्या उनको किसी भी अगर यंत्र से उसे ज़बरदस्ती खींच रहे हैं जी सर, तो बाद में फिर दिक्कत हो जाती है, नस सिकुड़ जाती है जी सर। मैं यही कहूँगा जी सर, ये सब गलत चीज़ का इस्तेमाल न किया जाए जी सर। अपने हाथों से जी सर अपना लाइफ न बर्बाद करें जी सर। आप किसी के कहने पे ये सब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जी। बहुत अच्छी जानकारी आप लोग को दिए सर, और आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके बताएं और कमेंट करके बताएं कि किन लोगों को पेनिस पंप नुकसान किया है, किन लोगों को फ़ायदा किया है। जो सर का कहना था, उनका कहना है कि अगर ना किया जाए तो बहुत ही बेहतरीन रहता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जोर जबरदस्ती से बढ़ाना अच्छा नहीं रहता है। तो अगर आपको पेनिस पंप से कोई प्रॉब्लम आई हो या कोई रिजल्ट मिला है तो उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना था, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।